morning, guys. My name is Raag Gangwal and this is my Dharmpati, my better half, Tarna Agarwal. Hi. Hello, everybody. Hi. अच्छा और आज है हमारी 26वीं शादी की सालगिरह. I'm happily married. She's happy and I'm married. ये दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं. Either you could be happy or could be married. हम लोग हमेशा अपनी धर्मपत्नी को अपनी वाइफ को कहते हैं शादी से पहले, Darling, I'll die for you. और शादी के बाद, You die, I will help you. चले जी, हम लोग शुरू करते हैं. ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं मेरे पास. शुरू करते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन है, हमको तो एकदम मस्त लड़की चाहिए, एमा वैटसन की तरह होनी चाहिए, आसान सा उपाय बताओ प्रभु. अच्छा, क्वेश्चन भेजने का नाम देखो, नमो बुद्धाय जय श्री राम, ये नाम इनका. ये तो बिल्कुल वैसे ही है. वैसे तो हम ब्रह्मचारी, लेकिन जहां देखी नारी वहीं पर आंख मारी. वैसे तो हम ब्रह्मचारी, लेकिन जहां देखी नारी वहीं पर आंख मारी. पट गई तो हमारी, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी. एक बात बोलूं, गलत इंसान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको पटानी होती तो आप खुद ही ना पटा लेते. हाँ यार, एमा वैटसन तो पैदा में नहीं हुई होगी उस टाइम तो. हाँ, लेकिन उसकी माँ को पटा लेते फिर आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका डांगे, ये कहते हैं आप कैसे मिले, आपकी स्टोरी बताइए. आई थिंक इट वॉज 25th December 1992 एंड मेरे फादर ने न्यूज़पेपर में इनकी मैट्रिमोनियल की एड पढ़ी थी. वो इनसे मिलने गए थे. हुआ ये था कि मेरी एक प्लेज थी अपने साथ में, एक कमिटमेंट थी कि अगर जब तक मेरी टर्नओवर जो है गारमेंट्स की, मैं मैन्युफैक्चर था गारमेंट्स का, कि जब तक 2 करोड़ की नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा. और 29-30 साल की उम्र में जाकर कि जब हुई तब मैंने घर में अनाउंस किया कि ठीक है जी, मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ. हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिया, क्योंकि रिश्ते तो आने बंद हो चुके थे, तो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिया. और उसके बाद मैंने 5-7 लड़कियाँ देखी, और उसके बाद करते करते हम लोग इनके घर तक पहुँचे. और वो था 25 दिसंबर 1992 का टाइम था. और जब हम लोग को दोनों को, जैसे कि होता है हिंदू फैमिलीज के अंदर, हम दोनों को अशर कर दिया कमरे के अंदर, जाओ जाके बात करो. भाई साहब 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा ऐसा फंसा मैं, ऐसा फंसा भाई साहब, 1.25 घंटे तक फंसा के रखा, बातें करते रहे करते रहे मेरे साथ में. अच्छा, मेरे मदर फादर बाहर रूम के अंदर थे, ड्राइंग रूम के अंदर. अब मम्मी को पता था, मैं 6 साल लड़के देख चुका था, मम्मी को पता था कि मैं कहीं पर भी 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं रहा था. 1 मिनट बाहर 1 मिनट के अंदर बाहर. अब मम्मी को मेरी इंटेंशन तो पता लग गई. मम्मी ने तब एक स्लिप भेजी. स्लिप पे लिखा मम्मी ने, मम्मी समझ चुकी थी मुझे, मेरे मन में क्या चल रहा है. तो मम्मी ने एक स्लिप भेजी, उसमें लिखा, डू नॉट से यस राइट नाउ. जिसको कि पढ़ लिया मेरे होने वाले साले सालियों ने. अब पढ़ने के बाद उसको फ्लिप, उसको टर्न किया, बिल्कुल ऐसे डिस लाके मेरे हाथ में रख दिया. मैंने पढ़ा, पढ़ते मैंने ठाका लगा के हंसना शुरू कर दिया. इनको तो समझ आया नहीं, इनको तो पता नहीं था, लेकिन मेरे साली साली को पता था, उन्होंने पढ़ लिया था. और मुझे भी पता था कि मैं कहने ही वाला था, वॉज अबाउट टू से यस, जब मैंने स्लिप देखा तो आई केप्ट क्वाइट. बिल्कुल ही बोला अभी. वो हंसी अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, और वो दिन लगता है अभी कल की ही बात है, सीरियसली. उसके बाद में दीपिका आर्य कहती हैं, मैम सर, हाउ डू यू बोथ मैनेज योर हेल्थ, यू बोथ आर सो 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 फिट एंड यू से इट्स योर 26th मैरिज एनिवर्सरी, माय गॉड, टच वुड. थैंक यू सो मच दीपिका. टच वुड, हम लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? यस, जिमिंग, अर्ली राइजर्स, अर्ली बेड, अर्ली टू राइज, ओनली ही. ये 24 बजे 12 घंटे सोती है. ओके, दीपिका अग्रवाल फिर एक और. अच्छा, वो दीपिका आर्या थी, ये दीपिका अग्रवाल है. कहती है मैम जो लड़के पीछे पड़ जाते हैं उससे कैसे निपटे, यू लुक अमेजिंग, आप तो बहुत लड़कों की क्रश होगी ना. मुझे अपनी टेक्निक पता है, मैं तो उनको बेटा बोलकर उनका दिल तोड़ देती हूँ. ऑलराइट, इस क्वेश्चन को लेते हैं. ये अभिषेक लेग्स, ये लेग्स है, लेग्स है. ये कहते हैं सर कुछ ऐसा बताओ जिससे कि जिंदगी में कभी वाइफ की जरूरत ना पड़े. तो भैया सीधी बात है, अपने काम में मस्त हो जाओ. जो भी गोल है आपका, आपका जो स्पिरिचुअल गोल है, मेंटल गोल है, जितने भी आपके गोल्स हैं, फैमिली गोल है, फिजिकल गोल है, फाइनेंशियल गोल है, सोशल गोल है, सोशलाइजिंग गोल है, नेम फेम इमेज गोल है, एंटरटेनमेंट गोल है, ट्रैवल गोल है, एडवेंचर गोल है, जितने भी गोल्स हैं उन सबको मस्ती में लग जाओ. जिंदगी क्या मस्त गुजरेगी आपकी, वाइफ ही सब कुछ नहीं होती बॉस,
हस्बैंड सब कुछ नहीं होता, बस जिंदगी जो कुछ होती है वो करियर होता है, फ्यूचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रवि प्रकाश कहते हैं कि सर ये बताइए कि लड़की से बिना डरे हुए कैसे बात करें? बिना डरे हुए बात क्या करनी, जाओ जाके बात करो। नाइकी क्या कहती है, जस्ट डू इट, जाओ जाके बात करो। डर लगता है, व्हाट्सएप कर दो, एसएमएस कर दो, ईमेल कर दो, फेसबुक कर दो, कुछ भी करो, लेकिन जाके बात करो। पड़े पड़े घर के अंदर कब तक सोचते रहोगे, कल करूंगा कल करूंगा, कल कभी नहीं आने वाला, हो जाएगी उसकी शादी, पड़ोसी का कोई लड़का उसको पटाके ले जाएगा, समझ गए? जाओ जाके कहो, अपने प्यार का इजहार करो। उसके बच्चे आपको मामा बोलेंगे। हाँ, अगर नहीं किया तो कल मामा ही बोलेगा तुम्हारे उसके बच्चे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है करमदीप धालीवाल का। कंग्रेचुलेशन सर करमदीप, थैंक यू वेरी मच सर। ओके नेक्स्ट है हुमा खान, ये कहती है मैम यू लुक सो प्रीटी and you both look so amazing together. Oh, thank you, Hima. फिर कहती है ये, I want to know, how do you manage your in-laws? How do I manage my in-laws? Or how does she manage? No, this question is for me. अच्छा मैम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So how do you manage? खैर मेरी मदर तो अब है रही नहीं, लेकिन अगर थी तब फादर मेरे, तो how do you manage my in-laws? In-laws को in-laws ना समझो तो खुद ही मैनेज हो जाएंगे। Oh, good answer, very good. तो ताली बजाएं इस बात के लिए तो, हाँ, good one. चलिए जी, और next question पे चलते हैं हम लोग। भरत जैन says, how many children do you have? भाई साहब 2000, बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, दो है, 2000 के बराबर है, naughty, एक नंबर के। प्रीतम कुमार कहते हैं, सर आप पहले बॉलीवुड में काम करते थे क्या? भाई साहब करण जो ने बहुत बार बुलाया, हम लोग चाहते नहीं है, क्या करें यार, मूव नहीं है यार। हर्ष गुरंग कहते हैं, डज योर लाइफ पार्टनर शुड नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर हेड? भाई साहब अगर लाइफ पार्टनर का पता लग गया ना, जिंदगी इधर तबाह रहेगी। तुम गए ना लुड़के, अगर मान लो तुम किसी पत्थर पर ठोकर लग गई तुम्हारी, सीधा आवाज आएगी तुम्हारे दिमाग में, उसके दिमाग से अगर पता लग गया तो। इससे अच्छा तो पुणे वाला इंजीनियर बढ़िया था, कम से कम ठोकर तो ना खाता। भाई साहब कभी ना पता लगता तुम्हें, लेकिन उस डिवाइस के कान से, उस चक्कर कान से तुम्हें पता लग जाएगा, जिंदगी रहेगी तुम्हें इंडर। अच्छी बात है भाई साहब, नहीं पता लगता तो दिमाग में क्या गुजर रहा है इनके। अच्छा जी, फिर उसके बाद है सिद्धार्थ राज भोंगशी, ये कहते हैं सर, डियर सर एंड मैम, हम दोनों के लिए क्वेश्चन है, प्यार भी होता है रिलेशनशिप भी होती है, बट वो टिकता नहीं है, अफेयर होता है लेकिन द एंड, आई डोंट थिंक लव एग्जिस्ट, यस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। बॉस आप कहते हो लव एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, बॉस लव नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती, ये लव नहीं होता, ये तुम लोग ना डिजायर होती है, लस्ट होती है, लाइकिंग होती है, इसको लव का नाम देते हो। लव वो होता है जो कि अनकंडीशनल होता है, लव होता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। एक सही बताऊँ मैं, अगर आपको प्यार है, लव है ना, अगर तुम्हारी वो प्रियसी, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा वो लवा अगर तुम्हारी सहेली को पसंद करता है, तुम्हारी बहन को पसंद करता है, तुम्हारी पड़ोसन को पसंद करता है, या किसी को पसंद करता है, तुम्हारे मन में तब भी उसके लिए उतना ही प्यार मरता है। अगर मरता है तो वो प्यार है, अगर जेलसी है, हेट्रेड है, और अगर गुस्सा निकलता है उसका, मैं वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक लस्ट है, वो एक डिज़ायर है, वो एक लाइकिंग है, उसका प्यार का नाम देना बंद कर दो। प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है, जैसे कि माँ का बच्चे के लिए होता है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है करण पल्लान का, कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। ओ क्वेश्चन नहीं है ये तो, ग्रीटिंग्स है, थैंक यू वेरी मच करण पल्लान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है अभिजीत जी ने, इनके नाम में दो दो जी हैं, अभिजीत जी। चलिए जी, अभिजीत जी, फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालें? फैमिली के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? व्हेन देयर इज अ बिल देयर इज अ वे, तुम टाइम निकालना नहीं चाहते इस कारण से। भैया याद है जब तुम्हारी शादी हुई थी, हैं, तुम एक्साइटेड थे ना, अब क्यों नहीं हो? वो सारी एक्साइटमेंट किस हो जाती है तुम्हारी। मोबाइल खरीदते हो, क्या होता है? बहुत एक्साइटेड होते हो, उसके बाद क्या होता है? पिस हो जाते हो। जब गाड़ी खरीदी थी क्या हुआ था? बहुत एक्साइटेड थे, बाद में क्या हुआ? पिस हो गई। जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हो क्या होता है? बहुत एक्साइटेड होते हो, पूरी रात नींद नहीं आती, बाद में क्या होता है? सो जाता है। वो एक्साइटमेंट कहाँ है? एक्साइटमेंट को लेकर आओ, बिल्कुल टाइम निकाल सकते हो अगर निकालना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकदा अत्तर बुटीक का, कि सर मदर और वाइफ के बीच में समय को कैसे निकाले, टाइम कैसे निकाले? अगर वाइफ के लिए निकालता हूँ तो माँ का मुँह बन जाता है, माँ को निकालता हूँ समय अगर तो वाइफ का मुँह बन जाता है, कैसे मैनेज करें दोनों को? दोनों को इकट्ठे मूवी दिखाने ले जाओ, दोनों को इकट्ठे ले चलो, एक के लिए अलग से टाइम क्यों निकाल दो? दोनों को इकट्ठे टाइम निकाल लो, माँ और बीवी को साथ में रखो, उनके साथ बीच में रहो, लड़ाइयाँ नहीं होगी। अगर लड़ाई होती भी है ना किसी भी कारण से, तो उसका सोल्यूशन निकालो जिससे दोनों को बुरा ना लगे किसी भी हालत में।
दोनों इकट्ठा ले जाओ, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र सैनी का कि सर पहले से आप ज्यादा यंग लग रहे हो। दाढ़ी, ये दाढ़ी और ये देख रहे हो सफेद बाल, ओ सॉरी लॉरेल है ये। पहले से यंग लग रहा हूं मैं, थैंक यू वेरी मच, आगे चेक करा लो। देव वालिया कहते हैं सर बीवी को हमेशा खुश कैसे रखें। बीवी को खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस सिर्फ एक तरीका, सिर्फ एक तरीका, और तरीका क्या है किसी को नहीं पता। नेक्स्ट पारस चोपड़ा कहते हैं सर आप अपनी कई वीडियो में कहते हैं लेट्स सेलिब्रेट, ये क्यों बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? क्या एक तो ये कल्चर है गुड मॉर्निंग का, चाहे मॉर्निंग हो आफ्टरनून इवनिंग हो जब भी मिलो गुड मॉर्निंग को, ये कल्चर है, रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना छोड़ दो। बहुत सारी MNCs में कल्चर चल चुका है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में कहना, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून में कहना। अच्छा उसके बाद लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट का मतलब है आओ इस मोमेंट को हम लोग एंजॉय करें। हाउ टू हैंडल एंगर इन फाइटिंग एट होम, हाउ टू हैंडल एंगर, सिंपल सी बात है बॉस, अगर आपको गुस्सा आता है सिंपल सी बात है हमेशा उसका 6 देखो। अगर वो जो 9 तुम्हें दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो 9 जो है ना वो 6 हो। अगर तुम दूसरे का व्यू पॉइंट देख लो ना, इफ यू टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम योर शूज एंड प्लेस योर फीट इन हिज शूज, यू विल कम टू नो कि हो सकता है जो 9 तुम्हें दिखाई दे रहा है वो 6 हो, जो 6 तुम्हें दिखाई दे रहा है वो 9 हो। एक टिप मैं भी देती हूँ कि अगर अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो आप चुप कर जाइए, बिकॉज अगर दोनों लोग ही अपना अपना बोलते रहेंगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा किसी चीज़। मछली अगर अपना मुंह चुप बंद रखे ना, चोंच को बंद रखे ना, वो कभी ट्रबल में नहीं रहने वाली। अशोक कुमार पूछते हैं डे टू डे लाइफ में उसकी तारीफ कैसे करें। बहुत मुश्किल है यार, है ना, तारीफ तो तुम कर ही नहीं सकते यार। अगर वो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन रही है, नहीं पहन रही ना, तो कोई ना कोई अच्छाई तो हर इंसान में होती है, तुम्हें ना वो अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, देखने की कोशिश करो, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, निकालो कॉम्प्लीमेंट दो प्रेज दो, हर इंसान को तारीफें कॉम्प्लीमेंट प्रेजेस चाहिए होते हैं, वो स्पाइस चाहिए होता है जो कभी ना कभी एक दिन में दो दिन में तीन दिन में एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दो। मुझे याद नहीं आपने लास्ट टाइम मुझे कब कॉम्प्लीमेंट किया था। जिगला भी निकाल के दे दोगे ना, तब यही कहना बस यही दिया है। तनुष्का गुप्ता कहती हैं इज इट नेसेसरी टू मैरी बिफोर 25 इफ आई एम कैरियर ओरिएंटेड। किसी भी हालत में नहीं, 25 से पहले तो शादी लड़कियों की होनी नहीं चाहिए। इफ यू आर अ गर्ल आई थिंक 26-27 इज अ राइट एज टू गेट मैरिड, इफ यू आर अ बॉय 28-30-32 इससे पहले मत करो, जिंदगी जो है करियर पर ध्यान दो। आशा कहती हैं हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड वर्क, कैसे बैलेंस करते हैं? इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू देयर इज नो नीड टू बैलेंस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, जो भी काम करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे तो फैमिली फ्रेंड्स वर्क सब का सब बैलेंस हो जाएगा, अगर रिस्पॉन्सिबल होगे समझोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो रचना जी पूछती हैं सर आपके जैसे हस्बैंड कैसे मिलेंगे? मेरा ले लो, यही ले लो, आम अवेलेबल गाइस, ऊपर से भाई ने पूरी परमिशन दे दी अब तो, मिस रचना आम अवेलेबल मोस्ट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम You both look perfect and hottest couple. Thank you so much. I want to know how to build a healthy relationship with your partner for a long time. उसके लिए मैं एक ही टिप दूंगी, वो कुछ बोले तो आप सुन लो, चुप रहो। कुछ ये बोले तो मैं चुप हो जाऊं, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, बात कुछ बन ही गई। Wow. Okay जी, next question है आकाश शर्मा, आप दोनों की थिंकिंग डिफरेंट होती है तो आप लोग कैसे इसे बैलेंस कर बनाते हैं? कभी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फैमिली प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को आप कैसे मैनेज करते हो? देखो बाबू, गलती तो हर एक से होती है, अगर मैं ये कहूं कि गलती ये करती है मैं तो करता ही नहीं, हर इंसान को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरी गलतियां दिखाई देती, अपनी अच्छाइयां दिखाई देती। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि दो लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो गलतियों का क्या करोगे। सीरियसली कुछ नहीं पता आज वो घर से निकला है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या कब कौन इंसान चला जाए,
सो इट्स बेटर कि जब वो है हमें उसके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ ऑसम टाइम विद यू. और आपके कोई भी और क्वेश्चन हो आप जरूर लिखिएगा. हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी ढंग से हम लोग इस वीडियो को हम लोगों ने पूरा इंजॉय किया है, आज के सेशन को हम लोगों ने इंजॉय किया है, आज के दिन को हम लोग इंजॉय करने वाले हैं सारे दिन को. और किसी प्रकार से आपके कोई क्वेश्चन है तो लिख के भेजिए नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके, आपको सेशन कैसा लगा ये और क्या क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि भेजिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. या शायद हो सकता है कि आज शाम का लोग दोबारा से लाइव हो और लाइव होकर हम लोग इन क्वेश्चन को जरूर लें. अच्छा, और साथ में मैं आपको अपने सेमिनार के अंदर फ्री इन्वाइट करने वाला हूँ, तो आपको नीचे सेक्शन में जा करके कमेंट के वहाँ पर लिखना है अपना नेम, अपना एज, अपना मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल. ये चारों चीज़ें लिखिए और हम लोग आपको किसी ना किसी टाइम पर जरूर अपने सेमिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वाइट करेंगे. बाय, शब खैर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much, guys. Bye. हाँ जी, आपसे पूछा मैडम, फैमिली के लिए आप कैसे टाइम निकालते हैं? मेरे से कौन पूछे, मुझे नहीं पता. फैमिली साथ ही रहते हैं सारा टाइम के निकालो. भैया बीवी के लिए निकालते तो माँ मुंह बनाती है, माँ के लिए निकालते तो बीवी मुंह निकालती है. मुंह नहीं निकालती भैया, सही ढंग से बोल. चलो जी, नेक्स्ट है जितेंद्र सैनी का. ये कहते हैं सर, पहला सा अब ज्यादा यंग लग रहा से आप अब ज्यादा यंग लग रहे हो सर. अगर पार्टनर जो है उसको अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रिय है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बताओ जी, क्या करना है? खुजली नहीं करनी एटलीस्ट.